श्री सीताराम बोलिए, बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। आज की विशेष सूचना, एक ऐसे भी लोग रहते हैं कुछ जो धर्म की आड़ में और परेशान व्यक्तियों का गलत फायदा उठाते हैं। आज मेरे साथ भी ऐसे ही होने वाला था, लेकिन मैं धाम से पहले ही से जुड़ा हुआ हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं समझ गया, तुरंत रिकॉर्डिंग चालू कर ली। रिकॉर्डिंग जैसे ही चालू की तो उसने बोला भी कि रिकॉर्डिंग बंद कर दो, मैं फिर बात करूँगा। बोल रहा था कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता, जो आपका टोकन नंबर आ गया है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आप नंबर देख सकते हैं, इस नंबर को परेशान करें सब लोग, ये नंबर, इसी नंबर से मुझे कॉल आया था, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अलग से। और मेरे पास परसों फ़ोन आया था बागेश्वर धाम के कार्यालय से कि आपका आना निःशुल्क, रहना निःशुल्क, खाना निःशुल्क, सब कुछ निःशुल्क है, और आपके पास किसी भी प्रकार का कोई कॉल आए सब निःशुल्क है, किसी भी प्रकार के चार्जेस नहीं देना है। मुझे मालूम था, और इसके पहले ही से मैं धाम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने जैसे ही कॉल में रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, उसने कॉल को कट कर दिया, और उसको मैंने फिर कॉल बैक भी किया तो कॉल बैक नहीं हुआ, क्योंकि उसने मोबाइल बंद कर लिया था। तो मैं नंबर इसलिए सबको दिखाना चाह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार का कोई परेशान न हो, क्योंकि ट्रू कॉलर में भी उसने पूरा धाम का लोगो भी लगा के रखा है, और बागेश्वर धाम सरकार छतरपुर मध्य प्रदेश के नाम से आईडी बना के रखी है। तो कोई भी व्यक्ति विश्वास कर लेगा, लेकिन विश्वास नहीं करना है। धाम पे टोटल सब चीज़ें निःशुल्क हैं। आना जाना, खाना, रुकना, सब वहाँ निःशुल्क है। मतलब धाम पे पहुँच गए आप तो सब निःशुल्क है, आप बिल्कुल किसी भी प्रकार की बातों में ना आएँ। जिनके टोकन लग गए हैं वो विशेष याद रखें, कई प्रकार के कॉल आएंगे उनकी रिकॉर्डिंग करें, और नंबर भी अपने पास रख के और धाम के व्हाट्सएप नंबर पे शेयर करें, रिकॉर्डिंग ज़रूर शेयर करें धाम के नंबर पे, जो धाम का नंबर दिया रहता है ना स्क्रीन पे चलता है, उस पर बोलिए बागेश्वर धाम सरकार की जय, सन्यासी बाबा की जय, गुरुदेव भगवान की जय।